प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर है, इस दौरान उन्होंने संबोधित किया है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है, लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देशभर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है, उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही, लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो भाई 50 लोगों को मिलना था मिल गया, 100 लोगों को मिलना था मिल गया, 1000 गांव में जाना था चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई, तब उसको लगता है अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है।